गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटा, आई सेंट यू योर द सिलेबस फॉर फर्स्ट रिवीजन टेस्ट. देखा था कुछ याद है कि देखते नहीं हो? फोन का हाँ जी, लिसन अगेन. यस बेटा, स्टॉप टॉकिंग प्लीज. ये रहा. हाँ जी बेटा, बिल्कुल. फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में बेटा आपके चैप्टर हैं नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स एंड लीनियर इक्वेशन. सेकंड में लाइंस एंड एंगल्स, स्टैट्स एंड हीरोंस फॉर्म. राइट, सो वी हैव डन द रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन. नंबर सिस्टम की मैंने स्टार्टिंग में करवाई थी आपको, ठीक है. कोऑर्डिनेट आल्सो वी हैव डन. नाउ ट्रायंगल्स. राइट, यू हैव योर रिवीजन टेस्ट ऑन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेंसडे. वन वीक वी आर हैविंग, ठीक है ना. फिर उसके बाद फिर वन वीक. तो आई विल स्टार्ट विद ट्रायंगल्स, देन वी विल डू द मिक्स्ड क्वेश्चंस इफ वी विल हैव द डेज. होंगे ही, दो तीन दिन में हो जाएगा ट्रायंगल्स. राइट, ओके. तो अगेन ट्राइंगल्स में से भी वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बेटा, दस्तर दो. एक्सरसाइज 7.4 इज डिलीटेड, ठीक है. एक्सरसाइज 7.4 के बेस पे एमसीक्यू नहीं आएंगे, वो तो ऑप्शनल है, वो तो करनी ही नहीं. ठीक है, आ जाओ बेटा दूर से पीछे से. 7.4 इज डिलीटेड, ठीक है. तो 7.4 नहीं करनी. नाउ आई विल शेयर यू द एमसीक्यूज. सी सी बेटा, एवरीवन ऑन योर स्क्रीन, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बी ए सी. नाउ सी एवरीवन, लुक हियर ऑन द बोर्ड. This is 6 centimeter, this is 5, this is 5. ये 50 है, this is 2x plus 20. You have to find angle BAC means this. कैसे करोगे? सोचो. करो. Angle find करना है, BAC. Which is that angle? BAC is this. It means you need to find x. कैसे करोगे? Wait, answer चाहिए मुझे. वेट, बताओ कितना? 50, 50, 15. ऑप्शन में नहीं है, मैं तो भी देख लूंगा. आना तो यही आ चाहिए. हाँ जी, एक मिनट इनसे पूछते. हाँ जी लक्ष्य. मैम 80 कैसे किया है? मैम जो बीसी और एसी इक्वल करके इन दोनों, ये दोनों बेस एंगल्स फिर इक्वल हो जाए. बीसी के सामने एंगल मैम ये ऐसे ए और बी, ठीक है, इक्वल. और फिर एंगल सम कर, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी. नहीं, कौन से एंगल इक्वल? एंगल सी 80 है मैम. बी और ए एंगल इक्वल हो जाएगा, एंगल सी 80 आ जाएगा. हाँ, एंगल सी निकाला आपने 80. यस मैम, वो नहीं निकाला. बट इन्होंने क्वेश्चन में देखो क्या. अच्छा मैम, गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल बीएसी इज, बीएसी पूछा देखो, व्हिच इज बीएसी. आप x निकाल रहे हो,
लेकिन आपसे पूछा क्या है, बी ए सी पूछा है, ठीक है। आप लक्ष्य, आप मुझे कौन सा आंसर बता रहे हो इसका, एंगल सी का आंसर? यस मैम। तो एंगल सी तो आपसे पूछा नहीं भाई, ठीक है, क्या पूछा आपसे, बी ए सी। तो देखो, which property will be used here? Angles of sides of angles opposite to equal sides are equal. BC के opposite side angle कौन सा है? Angle A. AC के opposite कौन सा है? Means you will write अपने mind में, आपने सोचना है कि ये दोनों equal है, इसका मतलब angle A is equal to angle B, right? 2x plus 20 is equal to 50. 2x is equal to 30. हाँ, करने की जरूरत ही क्या है, ये 50 हो गया सीधा, हाँ 50 करने की जरूरत ही क्या है। एक्चुअली वी पीपल अभी भी वी आर इन द हैबिट टू सॉल्व द क्वेश्चंस, है ना, बट करने की ये सीधा है तो एंगल बी ए सी 50 करने की जरूरत ही क्या है। बिल्कुल सही है बेटा आपकी बात। आगे देखो, ये नहीं, ये छोड़ दो बेटा, जैसे एमसीक्यूज यहाँ पर बेटा, एक मिनट, जस्ट वन मिनट, इट इज देयर बेस्ड ऑन दी कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स हैं उसके बेस पे एमसीक्यू आएंगे। जैसे इफ टू साइड्स एंड वन ट्राइंगल, वन इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू, है ना, तो कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस, ठीक है। तो एस ए एस होता है, ए एस ए रूल भी अप्लाई होता है, ट्रिपल एस भी होता है, उसके बाद कौन सा होता है, आर एच एस, और एक हमारे बुक में वैसे इंट्रोड्यूस नहीं होता ये रूल, डबल ए एस, बट स्टिल ये रूल इज वैलिड, ये करेक्ट होता है। अगर हम ए एस से भी कोई ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। कौन सा रूल नहीं होता, ए डबल एस या डबल एस ए या फिर ए ए ए, ए ए ए से कॉन्ग्रुएंसी नहीं प्रूव होती, सिमिलैरिटी प्रूव होती है, ठीक है। सिमिलैरिटी मतलब सिमिलर है, देखने में सिमिलर है, एक ट्रायंगल बड़ा एक ट्रायंगल छोटा, ठीक है, ये समझ आई। एक ट्रायंगल है कौन सा बेटा, जब दो साइड्स इकट्ठी हैं और एंगल साइड पे है, वो रूल नहीं होता, वो रूल से आप ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि उस रूल से, हाँ उसमें आरएचएस लगता है ना। मान लो अगर आपके पास कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे गिवन है, दो ट्राइंगल फिगर गिवन है, ठीक है, राइट एंगल ये 7, ठीक है, और साथ में ये साइड, एंड द क्वेश्चन इज बाय विच रूल द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप ये नहीं लिखोगे जैसे मैंने दो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बनाए हैं, आप फिर क्या लिखोगे, बाय विच रूल, बाय आर एच एस। कहीं पर कंफ्यूज करने के लिए मान लो आप लिख, ये वाले रूल तो आपने याद रखना है कि ये वाले रूल नहीं होते, ए डबल एस डबल एस से और ट्रिपल। अब एमसीक्यू आने हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी अपनी तैयारी करेंगे ना, अदरवाइज तो अगर सिंपल क्वेश्चन आने होते तो फिर यही वाले सारे क्वेश्चन हम डिटेल में रिवाइज करते, राइट। उसके बाद कॉरेस्पोंडेंस, ये बेसिक है, कॉरेस्पोंडेंस याद है, जैसे मान लो अगर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल नाउ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय विच रूल, बाय एस, थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, सो वी कैन से द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। अब कॉरेस्पॉन्डिंग, एंगल ए इज कॉरेस्पॉन्डेंट टू विच एंगल, एंगल आर, ठीक है। फिगर को देखकर ऊपर वाले को, ऊपर वाले को इक्वली लिख देना, जहां 50 है, and side AC, it is correspondent to which side, B, like this, A, B, C, yes, yes,
लिखो इन ट्राइंगल एबीसी इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए बीसी इज 4 सेंटीमीटर एसी इज 5 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ एबी कैसे किया मैम द एंगल ए और एंगल सी इक्वल है राइट बीसी इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल ए इक्वल एंगल सी के ऑपोजिट कौन सी साइड है एंगल सी के ऑपोजिट एबी और एंगल ए के ऑपोजिट बीसी अगर एंगल सी ए के इक्वल है तो बीसी के इक्वल क्या होगा एबी सो दिस विल आल्सो बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर sides opposite to equal angles are okay right next aise hi ab kehte next question mein triangle abc ab is equal to ac ab is equal to ac and angle b is 50 find angle c very easy this is also 50 So one very important rule that sides opposite to equal angles are equal and angle opposite to equal sides are angles opposite to equal sides are also equal. So MCQ उसके बेस पे आएगा ही आएगा, ठीक है? ये करो ट्राई इन द फिगर लिखना नहीं है समझो डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी डी मिड पॉइंट है एंगल एबीडी इज 50 डिग्री एंड एडी is equal to BD is equal to CD ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों आपस में इक्वल और ये भी कहते इसके बराबर है मीडियन का मतलब होता है कि मिड पॉइंट मीडियन उसके हाफ के बराबर नहीं होता ये तो नहीं होता ना लेकिन ये गिवन है कि अगर ये 5 है ये 5 है तो बाय चांस ये भी 5 वो गिवन है कि ये मीडियन ये आधी साइड और इस आधी साइड के इक्वल है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ACD ये निकालना है पर ये ट्राई करो बेटा बोर्ड पे देखिए अगेन द सेम रूल इज बीइंग यूज्ड इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल इसका मतलब ये आपस में इक्वल है कवर रूल इधर देख ले इसके सामने ये एंगल इसके सामने ये इस छोटे ट्रायंगल में तो ये 50 था ये भी 50 ठीक है आपने फाइंड करना एंगल बीएसी ये पूरा कौन सा एंगल फाइंड करना है एसीडी ये तो इसको एक्स ले ली इसके सामने ये एंगल इसके सामने ये एंगल दोनों इक्वल है दोनों को एक्स ले लिया नाउ फुल ट्राइंगल पे क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी वंशिका समझ आ रहा है तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमने जब लगाई 50 ये पूरा एंगल कितना है 50 प्लस एक्स ये है एक्स 180 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 180 एक्स कितना आ गया एक्स कितना आ गया ठीक है
आगे देखिए बेटा फ्रॉम योर बुक. जैसे अगर एमसीक्यू आने हैं तो दैट डजंट मीन कि एमसीक्यू आपके जो आएंगे वो एक्स्ट्रा बुक में से ही एज सच बनाएंगे या फिर इंटरनेट से आएंगे, ठीक है? नहीं, जो आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हैं उन्हीं में से ढूंढ कर उसी को मोल्ड करके एमसीक्यू बनाए जाएंगे. तो ये नहीं है कि एमसीक्यू आने हैं तो हम अपने चैप्टर को बिल्कुल इग्नोर कर दें कि अच्छा ये तो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू ही आने हैं तो हम ये नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है. अगर हमें हमारे क्वेश्चन की क्लैरिटी होगी जो हमारी बुक में है तभी हम एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाएंगे और इन्हीं में से एमसीक्यू बनकर आएंगे. बात समझ में आ गई? तो क्वेश्चंस की क्वेश्चन जरूर करने हैं, ये नहीं कि एमसीक्यू आने हैं तो हम क्वेश्चन, ठीक है प्रूफ बहुत लंबे लंबे प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना. कई बार उन्हीं प्रूफ से आपको एमसीक्यू का आंसर आएगा. कैसे ये डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आता है. चलो ये देखेंगे, बुक्स निकालो बेटा सारे बच्चे. 7.1 Now in this quadrilateral, AC is equal to AD and AB bisects angle A. AB bisects angle A. This implies which angle is equal? Angle CAB is equal to angle DAB. तो हमें पता है if AB is bisecting this angle, it means this angle 1 is equal to this angle 2. Then you have to see your MCQ options. Sorry, which what is given? Angle CAB. वहाँ तो 1 2 नहीं ना देंगे. Figure आएगी अगर अगर 1 2 उसमें mention होगा तो 1 2 लिखेंगे. वैसे ऐसे नहीं होता, naming ही होती है. तो if AB is bisecting this angle, then we know angle CAB is equal to DAB. तो options बहुत ध्यान से देख कर tick करनी. Mind में आपके answer सही है, option गलत नहीं tick करनी. ठीक है? Now, simple है. This is a quadrilateral. This is equal to this. This bisect. By which rule the triangle ABC is congruent to triangle ABD? तो हमारी NCERT का question है. इसमें से MCQ बहुत आसानी से बन सकता है. Figure आ गई. By which rule we know? By side angle. बेटा उनमें से बीच में से कोई कंसेप्ट आ सकता है? ऐसे पूरा जो एमसीक्यू नहीं बनता दिव्यांशी कि वो नहीं आएगा, लेकिन मान लो आ भी सकता है जिसमें आपको रफ में सॉल्व करना पड़ सकता है. ठीक है ना, थोड़ी सी जैसे हम नॉर्मल प्रूफ में क्या. बेटा मैंने आपको बोला ना कि बुक तो करनी ही करनी है, अभी बोला है कि लेकिन जैसे होता है कि हम नॉर्मल में पूरे स्टेप्स के साथ प्रूव करते हैं सारा, वो इस बार करने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंडिंग यहाँ ज्यादा मैटर करती है कि क्या आपको सम, जैसे बच्चे क्या करते हैं कई बार सम ले लिया, उसका रट्टा लगा लिया, वो आ गया, उसको पेस्ट कर दिया माइंड में बिना समझे. अब एमसीक्यू में क्या होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग वर्क करेगी. अगर आपको उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं तो नहीं. स्टेप मार्किंग की बात नहीं, क्वेश्चन समझ आएगा क्वेश्चन में क्या है और क्या पूछा तभी आंसर दे पाओगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी हम कर रहे हैं रिवाइज, 3-4 दिन करेंगे, बुक वाले भी करेंगे, एक्स्ट्रा भी करेंगे, तो कवर हो जाएगी सारा ऑलमोस्ट. एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल, यू डोंट हैव बुक, बुक तो लाओ, कल से लाना. ठीक है, एबीसीडी इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इज इक्वल टू बीसी. बेटा एडी इज इक्वल टू बीसी, एंगल डीएबी इज इक्वल टू एंगल सीबीए.
By which rule the triangle ABD, raise your hand, don't give me the collective answer, is congruent to BAC. कौन से रूल से ए बी डी ट्राइंगल और बी ए सी बी ए सी यस यू टेल मी शिवराज का है क्या लक्ष्य सॉरी बताओ वेरी इजी ये ट्राइंगल है बेटा और एक ये ट्राइंगल है ये दोनों ट्राइंगल किस रूल से कॉन्ग्रुएंट है एक तो आपको दिख रही है साइड एक आपको दिख रहा है इस ट्राइंगल में ये एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और ये साइड क्या है बाय विच रूल या ऐसे भी पूछा जा सकता है बाय एससीएस विच ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीएसी BAD is congruent to BAC मतलब नाम उल्टे पुल्टे कर दिए तो ट्राइंगल तो वही है लेकिन इसमें अब आपने क्या देखना है करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस बात समझ में आ गई वही दो ट्राइंगल के नेम्स को इन्होंने घुमा देना है BAB is congruent to ABC चार चौथा ऑप्शन हो गया ना वही दोनों ट्राइंगल्स है तीनों केस में अब ऑप्शन कैसे देखना है आप देखोगे बी बी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा इधर से क्या है सी एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बी और ए बी तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डेंस आपको सिखाइए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं If triangle B are congruent, then फिर अब BD is equal to AC, CP, CT वाला तो बहुत simple है. अब ऐसे हो सकता है. If these two triangles are congruent, then by CP, CT, which corresponding parts are equal? Options दिए हैं. फिर आप देखोगे कि उसमें से इन दोनों triangle के कौन से दो parts हैं. जैसे BD is equal to एसी भी हो सकता है और क्या बचा इस ट्राइंगल में आपने ऐसे एस यूज किया ना बी डी इज इक्वल टू ये एंगल इसके इक्वल भी ऑप्शन हो सकता है आर यू गेटिंग माय पॉइंट सो एनीथिंग कैन कम यस लक्ष मैम वो आंसर देने के लिए किया था डाउन कर लिया ठीक है ओके ये जो थर्ड ऑप्शन है एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इक्वल है बाय तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे कौन सा ऑप्शन है रेणु का समझ आ रहा AD and BC are equal perpendiculars. ये 90, ये भी 90. If CD bisects AB, then which side is equal to which side? CD bisect AB. Yes, Anshika. एक मिनट ऑप्शन देती हूँ. If CD bisects AB, then which is equal? Which option? AO is equal to OB. अब ये जो CD है, वो AB को bisect करता है.
एक जो लाइन है जो दूसरी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है मींस नाउ दिस इज इक्वल टू दिस. अब ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ये भी दिया हुआ है, तो अगर आपको उसकी क्लैरिटी होगी कि अगर ये सी डी जो है वो इसको बाइसेक्ट करता है इसका मतलब ये इसके इक्वल है, तभी आप करेक्ट आंसर दे पाओगे इस तरह से. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फोर देखिए. क्वेश्चन नंबर फोर में भी बेटा जिनके पास बुक है देख लो तुम, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं किस रूल से वो बताओगे आप. बेसिकली हम यहाँ क्या लर्न कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी लर्न कर रहे हैं ना. जब हम प्रूफ करते हैं तब भी हम क्या किस किस क्या अप्लाई करके प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी के रूल. तो वही एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ सकते हैं, राइट. सो वी विल कंटिन्यू विद दिस टुमारो बेटा. वी विल डू दिस चैप्टर फॉर 3-4 डेज, बुक क्वेश्चंस आल्सो एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आल्सो, राइट. 7.4 इज डिलीटेड, रिवीजन सिलेबस आई हैव सेंड. इफ एनी डाउट यू कैन मैसेज एंड आस्क. टेक केयर.